इनको चिप्स खिला रही है। भूखी तरसी जनता यहाँ पे कुरकुरे के पैकेट उड़ा रही। इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल मैच अभी। भाई क्या कैच, अरे खतरनाक। लास्ट बॉल ऑफ द मैच, चोट लग ऑल इन वन। इतनी धमाल जगह है आयल ऑफ वाइट में, ये जगह का नाम है। ऐसा है कि यहाँ पे एक गार्लिक प्रोडक्ट्स की शॉप है जो 5 बजे बंद हो जाने वाली है, तो हमने सोचा कि पहले हम लोग शॉप में थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे पेट पूजा करने। और भाई अंदर देखो, और आफ्ताब ने तो अंदर ऑलरेडी, अरे भाई साहब गार्लिक ही गार्लिक है इधर। साइज देखो ये गार्लिक का, ये देखो, ये सब एलिफेंट गार्लिक बोलते हैं इसको। देखो कितना मस्त है। यहाँ पे देखो कुछ और वेराइटी है गार्लिक की, ये देखो कितना मस्त है। ये भी कुछ गार्लिक है, ये भी गार्लिक है। ये देखो यहाँ पे गार्लिक मेयोनीज है, यहाँ पे गार्लिक जैम है। ये तो पहली बार देखा भाई, गार्लिक जैम क्या होता है। टमेटो केचप विद गार्लिक, यहाँ पे भी अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ है सारी गार्लिक जैम्स की। बट मुझे जो एक चीज़ देखनी है वो है यहाँ की अलग अलग गार्लिक की वेराइटीज़। तो चलो आपको दिखाता हूँ। सो ये है आइबीरियन गार्लिक, देखो कितना मस्त है ये। फिर यहाँ पे है स्मोक्ड बल्ब्स, ये देखो ये ऐसे ब्राउन कलर का गार्लिक है, कितना मस्त है। और यहाँ पे है कुछ, ये पता नहीं इसको क्या बोलते, बट ये भी देखो कुछ अलग टाइप का ही गार्लिक है। मम्मी केवल आगे जो बता, अलग अलग टाइप ना लसन, ये चिली ऑयल, चिली ऑयल ले लिए गार्लिक में। आ जाओ बता लसन की वेराइटी जो है। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताइए के गार्लिक के बारे में। एक्चुअली मुझे ये स्मोक्ड गार्लिक लेने का मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये एक ले लूंगा स्मोक्ड गार्लिक। देखो भाई फ्रेशली हार्वेस्टेड, मतलब अभी से अभी जमीन में से निकाले हुआ गार्लिक, फ्रेश गार्लिक, मतलब भाई ये तो बनता है लेना। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here. हमने यहाँ पे शॉपिंग कर दी है शुरू, और सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमने लिया है वो है ये गार्लिक मेयोनीज। खुशबू को बहुत पसंद है, खुशबू ने बोला मुझे यहाँ का ट्राई करना है, तो बोला चलो ये ले लेते हैं। एक मैंने लिया है ये स्मोक्ड गार्लिक, देख लो भाई। जब से हम लोग निकले ट्रिप पे कुछ ना कुछ इवेंटफुल चालू है। अभी हमारा बड़ा वाला पोपट हो गया है भाई, बज गए शाम के 5 और रेस्टोरेंट वालों ने बोल दिया कि हमारा रेस्टोरेंट हो गया है क्लोज, तो अभी हमें कुछ खाने को मिलने वाला है नहीं। तो जिसके लिए हम गार्लिक फार्म आए थे यहाँ का फेमस गार्लिक क्विजीन ट्राई करने। मैं एक बात बोलूं? बोलो। इतनी जोर से खुशबू आ रही है यहाँ पे गार्लिक की, चलो ठीक है गया। हमने जो भी दिन भर में स्टार्ट किया है, हर चीज में गड़बड़ हुई है, और हर चीज गड़बड़ होने के बाद हमको कुछ भयंकर भारी अच्छा मिला है। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कुछ अच्छा, इसके बाद भी कुछ मिल जाएगा अच्छा। चलो दिखा देते हैं, चलो पहले गार्लिक फार्म का टूर आपको करवा देते हैं। और हमें नायरा को अलग मस्ती चली अभी यहाँ पे, नायरा आओ। तो भाई भूखे तरसे हम लोग अभी सोचा कि चलो अभी गार्लिक फार्म आए हैं तो एटलीस्ट थोड़ा फार्म देख लेते, घूम लेते। मम्मी यहाँ पे बैठ गई है, थोड़ा रेस्ट ले रही है। सो थी आराम करे, आराम करे। अच्छा ओके, तो मम्मी यहाँ बैठी है और सामने खुशबू, नायरा, पिंकी सब लोग थोड़ा खेल कूद कर रहे हैं। नायरा को अपना झूला मिल गया, उसको मज़ा आ गया है। पर ये देखो कितना सुंदर फार्म है, देखो कितना मस्त है। हम लोग थोड़े लेट पड़े, अगर थोड़ा जल्दी आते ना तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। हम रहने का सोच रहे थे, वो रहा। अच्छा यहाँ पे रहने की भी सुविधा है, हम लोग पहले यहाँ पे रहने आने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि हम लोग को यहाँ पे मिला नहीं, मतलब सब फुल हो गया था स्टे यहाँ पे। तो बैड लक, आफ्ताब सॉलिड थक गया लगता है। चल नायरा, नायरा चल, अपने चिकन हैन जो ये, चल हैन जो ये नायरा, चल हैन हैन जो नायरा जो हैन जो, वाओ आजो। हाँ चिप्स खा रहा, जो ये देखो कितने सारे, ये पूरा हैन का छोटा छोटा घर बना है इन्होंने, देखो यहाँ पे कितना मस्त है। नायरा आजो, नायरा हैन आपो वेफर आपो है ना। नायरा यहाँ पे हैन को चिप्स खिला रही है। अले आप अजी, आप अजी, आप कितने बड़े हैं देखो ये, कितने बड़े हैं। नायरा आपो एक अजिएगा, आपो नजीक थे, आपो है ना नजीक जाइए आप। एम नहीं, फेंकवानू नहीं,
पुट इट इनसाइड रुको तो सही आपो नहीं रे आपो कई नो करे कई नो करे चल मम्मा आवे छे जो मम्मा आपे छे Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. अभी हम लोग थोड़ा फार्म को और एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो ये चिकन एंड हेन वाला जो एरिया था उसके बाद हम लोग यहाँ से एक छोटा सा रास्ता जाता है अंदर इस तरफ जा रहे हैं. ओहो हो वाह ये तो मतलब एकदम ट्रैक के लिए रास्ता है पूरा. ये लोग किधर है देखो वहाँ पे आगे पिंकी आफ्ताब और नायरा तीनों आगे टहल रहे हैं. नायरा को मजा आ गया बस कुछ भी बोलो फुल ऑन एंजॉय कर रही है यहाँ पे वो. गाइस अगर आपको रिलैक्स करने चिल करने आना रहने आना यहाँ पे सच में बहुत मस्त जगह है. ये प्राइवेट एरिया अगर हम यहाँ रहते तो हम यहाँ होते अभी एग्जैक्टली और हम ये खेल रहे होते. कोई बात नहीं हम हमारे उधर जाके खेलेंगे हॉलीडे पार्क में. भूखी तरसी जनता यहाँ पे कुरकुरे के पैकेट उड़ा रही है. एक तरफ वॉकर्स का पैकेट उड़ रहा है एक तरफ चीज स्ट्रिंग खुल गया है. प्रॉपर आफ्ताब ने खा लिया आज कुरकुरे वो देखिए ये बंदा कभी इतना डाइटिंग कितना हेल्दी खाना खाता है आज उसने भी शुरू कर दिया खाना. बिकॉज भैया भूख ही इतनी लगी है कि हमारा सब ऑड टाइमिंग हो रहा है कि कहीं जहाँ पे भी हम जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है खाना खाने को ही नहीं मिल रहा है. तो अभी आई डोंट नो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं लेकिन चलो अब तो सोचा अभी यहाँ पे आए तो आपको थोड़ा एरिया दिखा देते हैं. सो ये देखो आपको जो सामने दिख रहे हैं ना ये कुछ क्यूट से यर्ट्स है इसको यर्ट बोलते हैं. सो ऐसे यर्ट्स जनरली सेंट्रल एशिया में होते हैं. सेंट्रल एशिया मतलब साइबेरिया मंगोलिया उज़्बेकिस्तान ऐसी सारी जगहों पर ये सारे ऐसे यर्ट्स होते हैं इसमें लोग रहते हैं. तो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं. राइट यहाँ पे कुछ कॉटेजेस भी है मस्त वाले. तो चलो भैया इधर से डन करते हैं. मम्मी थक गई है इधर चल चल के. चलो नायरा जाओ चाहे इसको देखो आना ही नहीं है. नायरा चलो चलो. हमने डिसाइड किया कि हम खाना खाने जा रहे हैं. यहाँ से करीब कुछ थोड़े किलोमीटर दूर एक डोमिनोज है तो वहाँ पे पिज्जा विज्जा खाएंगे और फिर वापस जाएंगे हम हमारे स्टे पे और फिर वहाँ से जाएंगे हम पूल वूल में धमाल करेंगे. तो फिलहाल चलते खाना खाने. बज रहे हैं शाम के 6:15 और हमारे स्टीयरिंग व्हील पे अभी विराजमान है आफ्ताब जी. कैसा लग रहा है आफ्ताब मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई ऐसा लग रहा है मस्त वादियों के नीचे से गाड़ी उतार रहा हूँ. और भाई व्यू देखो इधर. ओहो सुपर सुपर यस बिंदास भाई ऐसे रोड्स पे ड्राइव करने को किसको मजा आना है बराबर के नहीं भाई. क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी बढ़िया एंजॉय द राइड. इगतपुरी के छोटे छोटे रास्ते गलियां मस्त लग रहा है. एक बात तो बताना पड़ेगा कि वेदर ने हमारा बहुत वेदर ने बहुत ज्यादा साथ दिया है आज भाई सच में. देख लो भाई कितना नजर ना लग जाए आज फिर हम लोग पानी पानी कर रहे सब लोग. अंकल जी रास्ते में हमको दिख गया पिज्जा हट तो फिर हमने सोचा चलो पिज्जा हट में ही चले जाते हैं. तो ये देख लो भाई यूके का पिज्जा हट पहली बार हम लोग आ रहे हैं. और टेबल भी देखो क्या मिला है हमें मतलब एकदम प्राइवेट. इधर हमारा पहला पिज्जा आ गया ये है मार्गरिटा बाप्पा पिज्जा. भैया क्वांटिटी देखो क्वांटिटी साइज देखो पिज्जा की खाली. इधर आ गया हमारा दूसरा पिज्जा ये है वेजी सुप्रीम. भैया प्रेजेंटेशन बहुत सही है. तो बाकी यहाँ पे हमारा छोटी मोटी चीजें आती जा रही है नाचोज है सैलड्स है. और इधर अभी चल रहा है इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल मैच. अभी लास्ट ओवर चल रहा है 161/6 है साउथ अफ्रीका. लास्ट ओवर देखते हैं क्या होता है. और ये हमारा नहीं 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 कैच 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 सूर्या पकड़ा कैच पकड़ा. अरे बाप
भाई लग रहा है इंडिया जीतने वाला है। ओ भाई, भाई एक टाइम पे हालत खराब चल रहा था भाई, सच में 30 बॉल में 32 चाहिए था भाई। क्या कैच, अरे खतरनाक खतरनाक कैच पकड़ा है। और यहाँ पे मैडम देखो, नायरा अपना आइसक्रीम खुद चूज कर रही है। प्रेस अरे वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह नायरा, बस 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 अटकी गई हूँ, बस थैंक यू, ये वेरी गुड। टॉपिंग्स वो खुद ही चूज करेंगे। चलो टॉपिंग्स चूज करो नायरा। वो जेम्स ही लेनी चाहिए नायरा। दिस और दिस, बस बस दो बॉल 10 चाहिए अभी। आफ्ताब के चेहरे पे टेंशन देखो। वैसे ये बहुत बड़ा क्रिकेट फैन है और ये बहुत पैशनेटली फॉलो करता है क्रिकेट। तो लास्ट टू बॉल्स क्या बोलता है? ओही मारा मारा, गया विकेट गया आउट हो गया। एक बॉल नौ, एक बॉल नौ, अभी तो इम्पॉसिबल है। लास्ट बॉल ऑफ द मैच, देखते हैं क्या होता है। वन बॉल 9 रन, अपन ने सेलिब्रेट कर ही लिया। इधर देख लो सब लोग को, सब लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे। हार्दिक पंड्या ये देखो, ये भी खड़ी हो गई अपनी चेयर से। एंड जीत गया इंडिया। भाई क्या दिन रहा, मतलब मजा आ गया। पूरा दिन सोच के बैठा था सुपरस्टिशियसली कि मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर मैं देख ली और गलती से हार गई तो रो देता। और देख लो लास्ट फ्यू बॉल्स उसने मिस नहीं किया सच में। ये तो बर्दाश्त कर रहा है। आप सब अपना रिएक्शन इधर कंट्रोल कर रहे हो। गूज़बम्स आ गए देख लो, बाप रे बाप। खाना वाना खा के हम लोग अभी आ गए वापस हमारे कंट्री हॉलीडे पार्क में, जहाँ पे हम ठहरे हैं। और अभी हम लोग थोड़ा पार्क एक्सप्लोर कर रही है और एकदम समुंदर। नायरा बोल रही है कि उसको यहाँ पे चोट लग गई है, थोड़ा ऊ हो गया है, तो बोल रही है बताओ। नायरा थोड़ी फिसल के गिर गई थी। एनीवे मैं कह रहा था कि ये जो हॉलीडे पार्क है, यहाँ पे देखो सामने एक लॉन्ड्रेट है, मतलब यहाँ पे अपने कपड़े धोना सुखाना जो भी सब करना है वो सब है। यहाँ पे है एक कन्वीनियंस स्टोर, मतलब दूध और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी निशा लोकल करके। और जो आपको सामने दिख रहा होगा पूरा समंदर, देखो जूम करके दिखाता हूँ, रुको आपको ये देख लो भाई, सामने है पूरा समंदर। सो ये जो एरिया है आइल ऑफ वाइट का, इसको बोलते हैं थॉर्नेस बे। हाँ, हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ के एंटरटेनमेंट पार्क में। सो हमारे ये थॉर्नेस हॉलीडे पार्क में एक एंटरटेनमेंट पार्क भी है। तो ये देखो, ये सामने जो आपको दिख रहा है ये पूरा एंटरटेनमेंट पार्क का एंट्रेंस है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, पब्स है, आइसक्रीम शॉप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे हमारा अभी कोई खाने पीने का तो विचार है नहीं, लेकिन हमने सोचा है कि शायद स्विमिंग पूल में हम जाए। और यहाँ से ओहो खुशबू, यहाँ पे देखो लिखा है कि कोस्टल पाथ, मतलब आप सुबह हम जा सकते हैं, सुबह हम यहाँ पे वॉक करने बीच की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे पूरा बीच आपको दिख रहा होगा सामने, जो पूरा दिख रहा ना, तो वहाँ पे भी सोच रहे हैं कि अगर कल टाइम मिला तो कल वहाँ जाएंगे। आज तो भाई बहुत घूम लिया, बहुत ज़्यादा घूम लिया आज। नायरा बोल रही है वापस दिखा दो एक बार, मुझे लगा है वो चोट लग गई, सॉरी। केवी लाएगी मम्मी आज अज्ञात ने सारी छः मस्त है ना हॉलीडे पार्क। ये देखो भाई लाइन से ऐसे हर जगह पे ऐसे कारवान ही कारवान है। हाँ नायरा को एक बार वापस दिखा देते हैं, देख लो सॉरी नायरा। और यहाँ पे देखो भाई ये है गेम जंक्शन शो बार, यहाँ पे ओहो बच्चों का पूरा प्ले एरिया है। देखो भाई सब वीडियो गेम्स है। ओहो हो भाई सुपर नायरा बोध सोच है, इसको जलसा पड़ गया इधर। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द पूल। देखो पूल आज के लिए तो बंद हो गया, क्योंकि अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 7:30-8 बज गए शाम के, एक्चुअली 8:30 हो गए, पर धूप देख लो आप भाई लोग, लगता है ये कोई एंगल से 8:30 बजे। एनीवे तो यहाँ पे पूल के टाइमिंग है 10 to 6, लेकिन अभी हम लोग यहाँ तक आए हैं तो हमने सोचा कि चलो पूल देख के तो जाते हैं। उन्होंने बोला अगर बाहर से देख सकते हो पूल कैसा दिखता है। ओके देख लेते चलो। हाँ सो ये है पूल का एंट्रेंस, यहाँ पे अंदर से ये दिख रहा है इधर से पूल मेरे को, ये रहा ये देखो इंडोर है, इंडोर पूल है। बोला स्लाइड्स वगैरह भी है। हाँ सो वी आर नॉट गोइंग टू मिस इट। तो कल जाते हैं इधर, ये मोटू पूल है यार।
जो जो नैरा जो ले नैरा भी देख रही है अरे वाह 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 नैरा स्लाइड भी छे तो भाई कल जाना पड़ेगा पूल में थोड़ी देर के लिए ये चलो इधर से देखते हैं अपन ये देखो इधर तो पूरा वाटर पार्क जैसा है मतलब यहाँ पे स्लाइड्स भी हैं और आगे एक बहुत बड़ा सा पूल है तो अभी कल जाएंगे अभी आज के लिए तो बंद हो गया है यहाँ पे सामने पूरा बच्चों का खेलने का भी एरिया है तो मतलब ये कैसा है ना कि पूरा ऑल इन वन हॉलीडे पार्क है यहाँ पे स्विमिंग पूल्स एंटरटेनमेंट जोन गेमिंग जोन बच्चों का पार्क है यहाँ पे देखो कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं देखो पूरा बीच और इतने प्यारे प्यारे कॉटेजेस इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं अंदर ही है अंदर कन्वीनियंट शॉप है मतलब ऑल इन वन इतनी धमाल जगह है आयल ऑफ वाइट में ये जगह का नाम है थॉर्नेस बे हॉलीडे पार्क या थॉर्नेस हॉलीडे पार्क आप सर्च करो गूगल पे बढ़िया जगह है मैं सच बोल रहा हूँ अगर यूके आ रहे हो आयल ऑफ वाइट आओ दो तीन दिन यहाँ पे स्पेंड करो मज़ा आ जाएगा चलो भाई इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड क्योंकि हम लोग अभी बहुत थक गए अभी घर पे जाके आराम करेंगे थोड़ा और कल हम लोग कहीं बहुत अच्छी जगह पे इंटरेस्टिंग जगह पे जाने वाले हैं पिंकी ने पूरा कल का प्लान बना लिया है तो इसी के साथ आज का व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय।